हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है उर्वशी और मैं जापानी और हिंदी बोलने वाली एक भारतीय लड़की हूँ जो कि अभी जापान में रह रही हूँ। आज के जापान के न्यूज़पेपर की ताज़ा खबर ये है कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान के राष्ट्रपति फूमिको किशिदा के निमंत्रण पर अभी जापान में आए हुए हैं एंड आज सुबह उन्होंने 7 बजे के आसपास हिरोशिमा में हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। वहां पे जोरों शोरों से हमारे देश के लोगों ने वहां पे रघुपति राघव राजा राम की आरती गाई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मतलब क्या है कि जापान में इंडिया का बोलबाला भी चल रहा है। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। सो इसी के साथ आज के दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई ही। चलो चलते शुरू करते। ये मोदी जी भी बिना बताए आ गए, तो बता के आते तो मेरी मम्मी मेरी दादी कुछ पैक पुक कर देती, कुछ लड्डू लुड्डू देसी घी के। मैं गुस्सा हूँ। और इसी खुशी में मैं खा रही हूँ आज आलू की सब्जी और पूरी और मेरी सैलड। और मेरे सैलड की प्रेजेंटेशन देख लो कैसी लग रही है आपको। मैंने खाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपनी खुशियाँ बांटने। मैंने पूरी बनाई थी तो मैं अभी सरप्राइज देने जा रही हूँ। पूरी और सब्जी मैंने बैग में रख लिया एंड एक फ्रूट्स कुछ फ्रूट्स रख लिए हैं, फ्रूट्स का डिब्बा आता है ना वो रख लिया, तो मैं अब उसको सरप्राइज देने जा रही हूँ मेरे घर के पास ही। पहली बार किसी जापानीज़ के घर जा रही हूँ, तो चलो चलते देखते हैं उनके रिएक्शन क्या रहते हैं। वो देखो छोटा टोक्यो टावर दिख रहा है ना? ये देखो भाई मेरे दोस्त इस बिल्डिंग में रहती है एंड हम पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा और चलते हैं। तो मेरे को मिल गई है, बाय बाय। सरप्राइज था इसी को। अब मैं आप लोगों को अपनी गलती बताती हूँ कि मैंने फिलहाल अभी अभी गलती क्या करी है। मैं इतनी राजी होके आई यहाँ पे शिओबारा के घर, यहाँ पे रहते हैं शिओबारा इसी बिल्डिंग में, और इतनी राजी हो रही थी मैं, और उस राजीपने में मैं अपना वाईफाई का जो डब्बा है ना उसको घर छोड़ के आ गई। एंड वो तो भगवान का शुक्र मानो कि जूशो मैंने जो एड्रेस था वो मैंने ऑलरेडी मोबाइल में डाल रखा था, उसने मेरे को यहाँ तक पहुँचा तो दिया। नहीं तो ना तो मेरे पास नेट, ना मैं उसको कॉल कर सकती क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि वो मीटिंग में बिजी थी एंड उसको सरप्राइज देने के चक्कर में सब कुछ भूल के आ गई। और वो तो शुक्र मानो एक लड़की मेरे को यहाँ पे मिल गई जिसने उसको मतलब वो जो बाहर देन व बांगो होता है ना उसके रूम का जो नंबर है ना वहाँ पे कॉल कर दिया और वो आ गई। ये तो मैं तो सच में इतनी घबरा गई थी कि अब वापस जाना पड़ेगा, उससे मिल भी नहीं पाऊंगी, इतनी दूर मैं आई हूँ। तो चलो मिल गई, अब मैं फटाफट से घर जाती हूँ। ऐसा ही होता है मेरे साथ कभी कुछ मेरी आँख कुछ ना कुछ भूलती। तो अब मैं वापस घर जाती हूँ। प्लान तो सारा चौपट हो गया। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना और कल फिर एक नया व्लॉग लेके आएंगे एंड आप कुछ सजेशंस हो वो भी मेरे को बता सकते हो व्लॉग्स के बारे में एंड क्या क्या जानना चाहते हो। और अपना प्यार बनाए रखो, थोड़े से व्यूज दो, वीडियो को अच्छे से देखो पूरा पूरा। तो आज का दिन कुछ ऐसा था और तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ जल्दी ही एक नए व्लॉग के साथ। आप सभी को राम राम। I feel my
my feelings way too strong.